चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूं, चने और दालें सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है, तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। चाचा चौधरी, अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में है। चाचा चौधरी घर पहुंचते हैं। अरे भगवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया, यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छुपा रखा है। घर के अंदर चाचा चौधरी और चाची। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से वो ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। ये सुनकर खोटू और छोटू वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए, हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। चाचा चौधरी के खेतों पर। यही है चाचा चौधरी की जमीन, अभी वह खजाना खुद कर वापस आ जाता है। हल चलाते चलाते उन्हें शाम हो जाती है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते, खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा, हमें उल्लू बनाया गया है। चाचा चौधरी और चाची। लो भगवान, खेत जुत गया, अब गन्ना, गेहूं, चना या बाजरा जो जी में आए वो बो दो। चाचा चौधरी और टॉम टॉम। मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हरा कर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान झाम झाम मुझसे लड़ा, बेचारा दो ही मुक्कों में मारा गया। फिर मैंने बृहस्पति ग्रह के पहलवान डाम डाम को ललकारा। क्या वह भी मारा गया? नहीं, वो मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ, है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझसे टक्कर ले? चाचा चौधरी। है, मैंने तो सुना था पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चंदगी राम जैसे पहलवान रहते हैं, यह चाचा चौधरी कौन है? वो आदमी टॉम टॉम को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आओ मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। जब टॉम टॉम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह रबड़ के जोकर को लिए हुए था। ये चूहा। चौधरी, मैं मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम, तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ, या लड़ो या पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। अरे मत ले पंगा। अरे भाई, मैं मार धाड़ में विश्वास नहीं करता, जब तक जरूरी नहीं हो जाता है मैं नहीं लड़ता हूँ, इसलिए तुम अपनी पसलियाँ सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। ये तो गया काम से। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा कर दिखाओ। टॉम टॉम और रबड़ का जोकर। ये तो एक ही घूसे में जमीन चाटने लगेगा। टॉम टॉम एक जोरदार मुक्का रबड़ के जोकर को जड़ देता है, पर जोकर जमीन पर गिर के वापस खड़ा हो जाता है। टॉम टॉम लगातार जोकर पर मुक्के बरसाने लगता है। 4 घंटे के बाद। मेरी तौबा,
मैं इस छोटे से जोकर को नहीं हरा सका तो तुम्हें क्या हराऊंगा। इतना कहकर टॉम टॉम वहां से चला जाता है। इसका सिर हल्का है और पांव भारी, इसलिए इसे कोई चित नहीं कर सकता। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और साबू का फोटो। एक दिन रास्ते में, चाचा जी साबू कहाँ है? मैंने उसका एक फोटो खींचना है। चाचा चौधरी अपने पीछे की तरफ इशारा करते हैं। वह रहा साबू, जितने जी चाहे फोटो खींच लो। साबू जरा मुस्कुराओ, ये फोटो मैंने फोटो प्रतियोगिता में भेजना है। साबू मुस्कुरा देता है। लो तुम भी क्या याद रखोगे कि साबू का फोटो खींचा था। कैमरे के लेंस में, अरे साबू का सिर्फ पांव फोकस आ रहा है। खोटू दास, साबू का फोटो लेना है तो कोई तरकीब लड़ानी होगी। खोटू दास एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। ठीक है, मैं इस टीले पर खड़ा होकर फोटो खींचता हूँ। हैं? अब सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, मुझे तो पूरा पोज लेना है। जरा पीछे हटकर कैमरा फोकस करता हूँ। खोटू दास पीछे की तरफ खिसकता है और पहाड़ी से फिसल कर, बचाओ, सीधा जमीन पर आ गिरता है। आओ। खोटू दास, ये तरीका भी कारगर नहीं हुआ। मैं मैदान से जरा दूर हटकर ही फोकस लेता हूँ। हाँ, अब साबू करीब करीब सारा दिख रहा है, बस पैर फोकस से बाहर हैं। खोटू दास पीछे हटता चला जाता है। जरा और पीछे हटूं तो पैर भी फोटो में आ जाएंगे। और बेचारा तालाब में गिर पड़ता है। ओह, चाचा चौधरी, खोटू दास तू तो साबू का फोटो लेने से रहा, मैं ही तेरा ले लेता हूँ। हाँ स्माइल प्लीज। चाचा चौधरी और मौत का कुआ। एक दिन डाकू गोबर सिंह को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार? मैंने अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले होंगे। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने नहीं लगा सका। सरदार ये कौन सी मुश्किल बात है, मैं अभी उसे इस दुनिया से चलता कर देता हूँ। कैसे? आओ मेरे साथ। धमाका सिंह गोबर सिंह को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। एक जगह पहुंचकर, इस उजाड़ जगह में ये वीरान कुआ है, हम चाचा चौधरी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं। वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई है। कुछ देर के बाद, चौधरी उधर आकर देखो, उस कुएं में क्या अजीबो गरीब चीज गिरी पड़ी है। अच्छा आओ देखें। चाचा चौधरी कुएं की ओर चल देते हैं। कुएं के पास पहुंचकर, पर मुझे तो इस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जरा और झुककर देखो। चाचा चौधरी के थोड़ा झुकते ही गोबर सिंह उन्हें धक्का दे देता है। ओह, और चाचा चौधरी कुएं में गिर पड़ते हैं। गोबर सिंह और धमाका सिंह वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो, अब वह इस वीरान कुएं में सड़ता सड़ता मर जाएगा। कुएं के अंदर चाचा चौधरी, चल मेरी पगड़ी दिखा कमाल। चाचा चौधरी पगड़ी का फंदा उछालते हैं, जो कुएं से बाहर एक पत्थर में अटक जाता है। चाचा चौधरी उसके सहारे बाहर निकल आते हैं। चलो जान बची। दूसरे दिन, है चौधरी इतनी बढ़िया कार कहां से ली? वह तेल का कुआ था गोबर सिंह, तेल बेचकर
मैं करोड़पति हो गया हूँ। चाचा चौधरी और जादूगर। डाकू गोबर सिंह जादूगर पताशा के पास। जादूगर साहब, एक मेरा भी काम कर दो। बोलो। चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है, जो मांगोगे दाम दूंगा। वह चूहा, उसे तो मेरी ये छड़ी मिनटों में ठिकाने लगा देगी। पर जहाँ मेरी बंदूकें और तलवारें फेल हो गई, वहाँ ये मामूली छड़ी क्या करेगी? कम्बक हमें चैलेंज करता है, ये छड़ी मामूली नहीं, जादुई छड़ी है, देखो। इतना कहकर जादूगर पताशा अपनी जादुई छड़ी से इशारा करता है, बन जा गधा। और गोबर सिंह गधा बन जाता है। अब तुम जाओ घास चरो, मैं चाचा चौधरी को देखता हूँ। रास्ते में, चाचा चौधरी अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए, गधा बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी, अर्र, मिस्टर पताशा, ये क्या कर रहे हो? वह मेरा जुड़वा भाई छज्जू है। आई? नहीं, वह मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं ही हूँ। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। चाचा चौधरी मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। नहीं, मैं। जादूगर पताशा परेशान हो जाता है, ये क्या झमेला है। तभी चाचा चौधरी की एक पहचान है। क्या? इधर आओ, कान में बताऊं। जादूगर पताशा चाचा चौधरी के पास अपना कान कर देता है। लो बताओ। अचानक चाचा चौधरी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देते हैं। यह लो। जादूगर पताशा जमीन पर गिर जाता है और उसकी छड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है, जिसे चाचा चौधरी उठा लेते हैं। इसका सारा जादू इस छड़ी में है। चाचा चौधरी छड़ी को घुमाते हैं। पताशा बन जा गधा। और पताशा गधे में बदल जाता है। छज्जू भाई, इसे कल्लू धोबी को दे आओ, ये उसके काम आएगा। चाचा चौधरी और मुच्छड़ दैत्य। एक दिन रास्ते में, साबू, ये किसकी सिसकियों की आवाज आ रही है? साबू एक और इशारा करता है। चाचा जी इधर देखिए। एक छोटा सा आदमी एक पत्थर पर बैठा होता है। चाचा चौधरी उससे बात करते हैं। क्यों भाई, तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? मैं पाताल लोक के सूर्यमुखी जाति का राजकुमार हूँ। मेरी पत्नी स्वप्ना को मुच्छड़ दैत्य उठाकर ले गया है। फिक्र ना करो राजकुमार, साबू तुम्हारी पत्नी को रिहा करवाएगा। साबू राजकुमार को अपने हाथ पर उठा लेता है। हमें तुम अपना दोस्त समझो साबू। और साबू राजकुमार के बताए अनुसार वहाँ से चल देता है। आओ देखें, ये मुच्छड़ दैत्य है कौन। एक गुफा के नजदीक पहुँचकर, वह उस गुफा में रहता है। साबू गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। लगता है वह बाहर गया है। राजकुमार की पत्नी, अरे तुम यहाँ क्यों आए? मुच्छड़ दैत्य तुम्हें मार डालेगा। फिक्र मत करो, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है। तभी अचानक गुफा में अंधेरा हो जाता है। अरे ये एकाएक अंधेरा कैसे हो गया? मुच्छड़ दैत्य आ गया है, जान बचाने के लिए भागो। गुफा के बाहर मुच्छड़ दैत्य, तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुच्छड़ दैत्य साबू पर हमला कर देता है। ओहो, साबू जमीन पर गिर पड़ता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
साबू बिजली की तरह मुच्छर दैत्य पर झपटता है। साबू का एक जोरदार घूसा और मुच्छर दैत्य चित्त हो जाता है। मुच्छर दैत्य मर गया, पिंजरे से बाहर आओ। और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल देता है। सचमुच तुम्हारा दोस्त साबू बड़ा बहादुर है। चाचा चौधरी और जेल का पंछी। जेल के बाहर गश्त करता सिपाही। कैदी लोटन बड़ा चालाक है, मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा है। दीवार ऊंची है, मैं नहीं फांद सकता, ये पत्थर काम आएंगे। कैदी लोटन पत्थर लाकर वहां रखना शुरू करता है। अब ये काफी ऊंचे हो गए हैं। लोटन उन पत्थरों पर चढ़कर दीवार फांद जाता है। हुर्रे! और वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उधर जेल के अंदर अंदर से आवाज आई है, लगता है कोई गड़बड़ है। अंदर घुसते ही सिपाही चौंक जाता है। अरे चालाक लोटन चकमा देकर भाग गया, अब क्या होगा। उधर लोटन काफी दूर निकल गया। अरे साबू ये तेरे हाथ में क्या है। रॉकेट, इसको सहारा देने के लिए बोतल नहीं मिल रही। फिक्र ना करो, मैं रॉकेट को थामता हूँ। लोटन रॉकेट को थाम लेता है। लो अब तुम आग लगाओ। साबू पलीते में आग लगाता है और रॉकेट लोटन को लिए हवा में उड़ जाता है। ओह! और हवा में उड़ता हुआ रॉकेट लोटन को लिए सीधा जेल के अंदर गिरता है। सत्यानाश, ये तो मैं वापस जेल में ही आ गिरा। चाचा चौधरी और साबू। साबू कहाँ से आ रहे हो। एक भागे हुए कैदी को वापस जेल भेजकर चाचा जी। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी कैदी है। उसके लिबास से साबू। चाचा चौधरी और तोहफे। एक दिन चंपतलाल अपने नौकर बैंगन को समझा रहा है। नए साल के ये दो उपहार हैं, एक चाचा चौधरी के लिए, दूसरा मेरे ताऊजी के लिए। चाचा चौधरी के लिए उपहार? साहब आप तो उसे हमेशा कोसते रहते हैं, फिर यह है। बैंगन, तुम ठीक कहते हो, जरा चाचा चौधरी का डिब्बा खोलकर देखो। बैंगन उस डिब्बे को खोलता है। लो अभी खोले देते हैं। डिब्बा खुलते ही एक जोरदार घूसा बैंगन के मुंह पर पड़ता है। अब दूसरा डिब्बा खोलो। दूसरा डिब्बा खुलने पर वाह रसगुल्ले। ठीक, ये डिब्बा मेरे पूज्य ताऊजी के लिए। बैंगन भूलना नहीं, बाया डिब्बा ताऊजी को और दाया चाचा चौधरी को। आप बेफिक्र रहे साहब। बैंगन दोनों डिब्बे हाथ में लिए चल पड़ता है चाचा चौधरी के घर पर। चौधरी, हमारे साहब चंपतलाल ने आपको नए साल का उपहार भेजा है। डिब्बा चाचा चौधरी को दे बैंगन वहां से चल पड़ता है। अब दूसरा डिब्बा ताऊजी को दे आऊं। ताऊजी के घर पर। ताऊजी, आपके भतीजे ने नए साल की खुशी में ये उपहार भेजा है। इधर चंपतलाल। अब जरा चाचा चौधरी की हालत का जायजा लिया जाए, बड़ा तीस मारखा बनता है। चाचा चौधरी के घर पहुंचकर। चंपतलाल धन्यवाद, तुम्हारे भेजे हुए रसगुल्ले सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर चंपतलाल वहां से दौड़ लगा देता है। मर गए, बैंगन के बच्चे ने सब भुर्ता कर दिया, ताऊजी को रोकना चाहिए। इधर ताऊजी। सचमुच मेरा भतीजा चंपतलाल बड़ा फरमाबदार है,
उपहार देखना चाहिए। और डिब्बे को खोलते ही चंपतलाल और ताऊजी। ताऊजी आप ठीक ठाक तो हैं? अभी बताता हूँ। और ताऊजी डंडा लेकर चंपतलाल को दौड़ा लेते हैं। चाचा चौधरी और साबू का सूट। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, साबू लो तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूँ, जरा पहन कर दिखाओ। साबू कोट और पैंट को पहनता है। वाह, एकदम किसी फिल्म के हीरो लगते हो, अब तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। साबू वापस जमीन पर बैठ जाता है। अरे तुम तो धम से जमीन पर बैठ गए, कोट पैंट पहन कर मेज कुर्सी पर बैठते हैं, लियाकत भी सीखो कुछ। तभी साबू चौंक पड़ता है। ओह क्या हुआ? मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया है और धमा चौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। तभी चूहा साबू के कोट में से दिखाई देता है। यह रहा, अरे कम्बख्त फिर अंदर चला गया। साबू एक मिनट ठहरो, वो अभी निकलेगा। चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बिल्ली होती है। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसा देते हैं, फिर देखो। चाचा चौधरी बिल्ली को साबू के कोट में घुसा देता है। बिल्ली को देखकर चूहा बाहर निकल आता है और वहां से भाग जाता है। वह गया, लेकिन मर गए, अब बिल्ली नहीं निकल रही। साबू परेशान होकर कोट पैंट को उतार देता है। बाड़ में जाए ये कोट पतलून, मैं ऐसे ही आजाद अच्छा हूँ चाचा जी। है चाचा चौधरी और साबू काम पर। एक दिन सुबह सुबह साबू अपना हथौड़ा उठाकर घर से बाहर चल दिया। अरे साबू कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने चाचा जी। कम्बख्त हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। अजी तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो कहीं वो कुछ कर ना दे। चाचा चौधरी तुरंत साबू के पीछे दौड़ लगाते हैं। अब तक तो वो लंबू कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। साबू। कहो गुलाबदीन, उदास क्यों हो? अरे साबू भैया तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लॉट के चारों तरफ ये खंबे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंबे को पकड़ो, मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। गुलाबदीन एक खंबे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। लो आने दो। साबू हथौड़े का वार करता है और खंबे को जमीन में गाड़ देता है। वाह अब दूसरा गाड़े। गुलाबदीन दूसरा खंबा पकड़कर खड़ा हो जाता है। साबू एक बार फिर हथौड़ा चलाता है। साबू चौक जाता है। है पहले तो ऐसी आवाज नहीं सुनाई दी थी। चाचा चौधरी, अरे वही हुआ जिसका डर था, जरा उधर देख। अरे आए। साबू चाचा चौधरी और नारियल पुराण। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी दौलत अच्छी होती है या सेहत? साबू सेहत अच्छी होती है, सेहत एक ताज है जो हर तंदुरुस्त आदमी के सिर पर रखा होता है, उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ बीमार ही देख सकता है।
तभी अरे ये आवाज कैसी? अरे छेदी लाल, क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो। 2 घंटे से हथौड़ी मार रहा हूँ मगर ये नारियल नहीं टूट रहा चाचा जी। चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। साबू जरा छेदी लाल का नारियल तोड़ दो। साबू अपना मुक्का हवा में तानता है और एक जोरदार वार कर देता है। सत्यानाश, ये तुमने क्या किया? ये मेज तो पड़ोसी की थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो हम बाजार से दूसरी मेज ले आते हैं। ऐसी मेज दूसरे शहर में मिलेगी? छेदी लाल आओ, मैं तुम्हें उठाकर उस शहर ले चलूं। छेदी लाल साबू के ऊपर बैठ जाता है। वाह! और साबू दौड़ लगा देता है। साबू संभल कर, आगे पेड़ हैं। साबू अपनी ही धुन में दौड़ता चला जाता है। थोड़ा आगे आने पर छेदी लाल, वो शहर अभी कितना दूर है? कोई जवाब न पाकर साबू चौंक जाता है। है, छेदी लाल कहाँ गया? छेदी लाल एक पेड़ को पकड़कर लटका होता है। मैं यहाँ हूँ। हे भगवान! पेड़ पर लटका छेदी लाल। छेदी लाल आओ हम आगे चलें। दोनों एक बार फिर शहर की ओर चल देते हैं। जुम 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 जुम। साबू लो वो शहर आ गया जहाँ से हम मेज खरीद सकते हैं। एक बच्चा रास्ते में केला खा रहा होता है। वाह, केला बड़ा मीठा है। बच्चे के फेंके हुए छिलके पर साबू का पैर पड़ता है और वो फिसल जाता है। ओह! और छेदी लाल हवा में उड़ता हुआ सीधा रंग से भरे ड्रम में गिर जाता है। रंगरेज, कपड़े रंगवाइए। अरे छेदी लाल, तुम तो रंग में सराबोर हो गए, जल्दी से भागो। वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वह फर्नीचर की दुकान आ गई जहाँ से हमें मेज मिलेगी। फर्नीचर की दुकान के अंदर सारे पैसे निकालो अभी, नहीं तो। साबू दुकान के अंदर एक डाकू मालिक को लूट रहा है। पर छेदी लाल मैं क्या कर सकता हूँ, दुकान का दरवाजा छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। साबू जमीन पर पड़ी एक ईंट उठाता है। एक तरकीब है, शायद ये ईंट काम आ जाए। साबू ईंट से निशाना साध कर दुकान के अंदर की ओर फेंक देता है। ईंट सीधी जाकर बदमाश के सर से टकराती है। हाय! और बदमाश ढेर हो जाता है। साबू तुमने मुझे बचाया, इसलिए ये मेज तुम्हें मुफ्त देता हूँ। छेदी लाल और साबू वापस घर की ओर चल देते हैं। चलो अब घर वापस चले। वापस पहुँच कर अरे छेदी लाल, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये कहानी फिर कभी सुनाऊंगा चाचा जी, पहले ना आऊं, पड़ोसी मेज मांगने आता ही होगा। चाचा चौधरी और जिसका जूता उसी का सिर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द तो चाचा चौधरी से मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको बेवकूफ बनाने की मैंने एक योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई ये चारपाई है। इस तारकोल के डिब्बे को इस चारपाई के बीच रख देती हूँ, फिर ऊपर से ये चादर बिछाई जाए। वो महिला चादर बिछा देती है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। आओ अब उस 30 मार्का चाचा चौधरी को बुला कर लाएं और उसको उल्लू बनता सबको दिखाएं। दोनों निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें चाचा चौधरी मिलते हैं। लो वह रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए, आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा
पनीर के पकौड़े, पिस्ते वाली बर्फी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार की है। अच्छा चलो। महिला के घर पर। आप उस चारपाई पर आराम से बैठिए, मैं नाश्ता अभी लाई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा और नाक पर खारिश होने लगी। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूं। चाचा चौधरी हाथ धोने लगते हैं, तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से आया। ओह, आज बहुत थक गया, दफ्तर में आज बहुत काम था। वो सीधा आकर चारपाई पर बैठने लगता है। वाह, मेरी बीवी ने पहले से ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। और चारपाई पर बैठते ही ओह, वो चारपाई में घुस जाता है। आए चाचा चौधरी, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? चाचा चौधरी और दो ठग। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे। चाचा जी, ये बोरी काफी भारी लगती है। हाँ भाई साबू, भारी है, तभी तो तुम्हें उठाने को दी है। पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी दूरी पर नामी ठग छक्कन और ढक्कन। छक्कन, गुड़ की बोरी उठाए मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ी देर इसे यहाँ रख कर दम ताजा कर लें। तभी उनकी नजर चाचा चौधरी और साबू पर पड़ती है। ढक्कन, साबू चीनी की बोरी ले जा रहा है, क्यों ना हम उसे हथिया लें? चीनी गुड़ से काफी महंगी है। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ लाता हूँ, तू पीछे से वो बोरी लेकर चंपत हो जाना। ढक्कन चाचा चौधरी की ओर दौड़ पड़ता है। चाचा जी रुको। अरे ढक्कन, क्या कोई मेरे साथ चाल चलने आया है? नहीं चाचा जी, मैंने ठगी बाजी छोड़ दी है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, ये बोरी यही रखिए और चल कर ले लीजिए। ये गुड़ की बोरी स्वीकार करके मुझ पे एहसान कीजिए। उधर छक्कन। वाह, ये चीनी की बोरी अब मेरी हो गई। वो बोरी को उठा लेता है। बाप रे, बड़ी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू चलो चले। बोरी वाली जगह पर पहुंचकर। है चाचा जी, हमारी बोरी। इधर छक्कन और ढक्कन। शाबाश मेरे पट्टे चला चल, आज हमने अच्छा दाव मारा है। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर। आओ इसे खोलें। बोरी खोलते ही हैं रेत। जब रेत डालने के लिए हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने खाली चीनी की बोरी में वो भर ली है। वाह गुड। चाचा चौधरी और मुसीबत की जड़। एक दिन चाचा चौधरी, टिंगू मास्टर और साबू कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी नजर एक ब्रीफकेस पर पड़ती है। चाचा जी देखो, वह बैग गिरा पड़ा है। टिंगू मास्टर दौड़कर उस बैग को उठा लेता है। देखो इसमें है क्या? बैग खोलते ही बाप रे, इतने रुपये लाख से ऊपर होंगे। अरे इस मुसीबत को तुमने क्यों उठा लिया टिंगू मास्टर? चाचा जी, दौलत को आप मुसीबत कहते हैं? इतने रुपए पाकर तो हम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। टिंगू मास्टर, इस बैग को चौराहे पर ही रख दो। बैग को चौराहे पर रखकर वो लोग एक इमारत की ओट में छिपकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ खड़े होकर देखो कि यह मुसीबत है या वरदान।
थोड़ी देर में एक आदमी वहाँ आता है। बैग, इसमें क्या हो सकता है? बैग खोलने पर हा, इतने सारे रुपए, सब मेरे हैं, अब मैं लखपति हो गया। तभी वहाँ गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। जग्गो के होते हुए यहाँ से इतना माल कौन ले जा सकता है? ये सब नोट अब मेरे हैं। इससे पहले कि जग्गू बैग को ले पाता, एक पैर उसके हाथ को रोक देता है। जग्गो, ठहरो, इतनी जल्दी क्या है? जग्गू और वो बदमाश आमने सामने। ये इलाका मेरा है, इसलिए ये माल मेरा है। पहले इसे मैंने पकड़ा था, इसका असली हकदार मैं हूँ। दो गोलियां चलने की आवाज वहाँ गूंज उठती है और वो दोनों बदमाश ढेर हो जाते हैं। देखा टिंगू मास्टर, सब मर गए, दौलत किसी को नहीं मिली। तो इस मुसीबत को कहाँ ले जाऊं चाचा जी? पुलिस थाने। जिसका ये बैग होगा वह आकर ले जाएगा। चाचा चौधरी और उड़न छू। याहू! डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, मैंने तुझे कोई जबरदस्त आदमी लाने को कहा था, तू ये किस चमगादड़ को पकड़ लाया है? अरे सरदार, ये चमगादड़ नहीं, मास्टर उड़नछू है। तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मिनटों में ही ठिकाने लगा देगा। हमारी सारी तलवारें और बंदूकें उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, तो ये निहत्ता उसका क्या कर लेगा? तुमने अभी मास्टर उड़नछू का कमाल नहीं देखा। अच्छा, तलवार संभालो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। डाकू गोबर सिंह तलवार हाथ में निकाल लेता है। अच्छी बात है, आ जाओ। उड़नछू और डाकू गोबर सिंह आमने सामने। उड़नछू ने अचानक एक ऊंची छलांग भरी। याहू! और गोबर सिंह के सीने पर एक जबरदस्त ठोकर जड़ दी। ओह! गोबर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। वाह उड़नछू, तू सचमुच चाचा चौधरी का काम तमाम कर देगा। आओ, मैं दिखाऊं कि मेरा दुश्मन कहाँ है। तभी उन्हें चाचा चौधरी आते हुए दिखाई देते हैं। वह आ रहा है उड़नछू, बिना मौका दिए उसे मार डालो। उड़नछू चाचा चौधरी की तरफ अचानक एक ऊंची छलांग लगाता है। याहू! चाचा चौधरी एक झुकाई देकर बच जाते हैं और उड़नछू उनके ऊपर से उड़ता हुआ सीधा गटर के अंदर जा घुसता है। गोबर सिंह। ओह, मेरा उड़नछू गटर में गिर गया, अब मैं उसे कैसे निकालूं? गोबर सिंह, वह गटर में बहता हुआ शहर के बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहां उसे ढूंढ लेना। है?